रहा है। तो भाई कल की इस हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फिर रात को बहुत अच्छा रेस्ट मिलने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आई है। आज मैं विदाउट बैग हूँ और रात को थोड़ा टैबलेट्स खाई, थोड़ी मालिश की सरसों के तेल की, और जिस वजह से थोड़ा ना एनर्जी आ गई, ठीक फील कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। बीस किलोमीटर चला ना, 25 किलोमीटर एक ही दिन में कवर किया हमने, 10 घंटे में है ना, 9 घंटों में। तो अब थोड़ा रेस्ट तो मिला रात को, लेकिन प्रॉपर अभी डाइट अभी प्रॉपर हमने डाइट ली नहीं है। मज़ा आ रहा है चलने में, लेकिन फट भी रही है बहुत। कल तो बहुत ज़्यादा फट गई थी, कल हमने 25 किलोमीटर भाई ये बात बोली ना इसने, अभी बोल दी इसने तो मैं भी बोलूँगा दोबारा। नहीं डबल डबल कौन डालेगा। आज हमने 8 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो कवर करना है, 8 नहीं 20 16 20 हो जाएगा, मतलब अप्रॉक्स 20 किलोमीटर फिर से आना जाना वापस है आज। चलो बस तो गया, बस 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 चल अर्जुन। नहीं मतलब कैसा फील हो रहा है तुझे फिलहाल? तो थका हुआ ही लग रही है। थका हुआ लग रहा है, रात को क्या था रेस्ट लेकिन थका हुआ ही है फिर से। थका हुआ ये क्या थका हुआ है फिर से शरीर। ब्रह्मा पीक तो भाना था, असल में खुद माता के मंदिर आना था। बुलावा आया था हम लोगों का, तब जाकर हम पहुँचे। चलो अब दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं, आप लोग दूर से दर्शन कर लो और कुछ विश कर लो। ओ भाई ये तो बड़ा मंदिर है जी। कुंडे यहाँ पर, ये पानी यहीं पे निकलता है। अच्छा यहीं से निकलता है, नमकीन पानी होता है, नमकीन पानी है तो यहाँ पे आप पी सकते हो इसको थोड़ा सा प्रसाद के लिए। ये उदमाता का मेन मंदिर है, जो पुरानी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर उदमाता की, ये मेन मंदिर है। ये पहले ये मूर्तियाँ ऊपर होती थी तो ये पिंडिया जो है ना, पिंडिया का एक बंदा रोज रोज यहाँ पूजा करने आता था, तो फिर वो 30-40 साल उसने पूजा की, कुछ टाइम बाद वो बूढ़ा हो गया तो उसने फिर माता रानी को बोला कि तुम आप नीचे आ जाओ, मेरे से नहीं होता वहाँ। फिर माता रानी यहाँ आके बस गई। ठीक है तो ये मेन मंदिर है, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। ये भी इसमें पानी निकलता है वहीं से नीचे से, नमकीन पानी। तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है भाई प्रसाद जो नेचुरली आ रहा है, और इसी के साथ में यहाँ पर टीका है, मतलब ये टीका खुद बनता है नेचुरली। मैं भी जा रहा हूँ गुफा के अंदर। गर्भ जून अभी जाओ जाता हूँ पीछे भी हम आगे भी हम वो जगह भैया बड़ी जगह है और ये लिंग तो शिवलिंग यहीं पे है। पहले जमाने में धूप पड़ता था, आज पानी गिरा वो देखो वीडियो बनाओ इसके थोड़ी पानी के ऊपर एक सीधा लिंग के ऊपर ये जो ये वाला है ना, ये इधर देखो इधर देखो ये वाला यहाँ आप जिस मतलब भगवान को चाहते थे ना पूजा पूजा जिसके उसके दर्शन इसमें होते थे सबके सब। अच्छा जिसकी मर्जी दर्शन करना चाहते जिसको आप चाहते थे तो उसके दर्शन यहाँ पे हो जाते पानी। सो गाइज हमने मंदिर के दर्शन कर लिए, उसके बाद चाय पी पुलिस पोस्ट में, यहाँ पीछे बहुत अच्छी चाय बनी थी, मज़ा आ गया आज इतने दिनों के बाद एक अच्छी वाली चाय पी जो पसंद आती है ना, मज़ा आ गया। और अभी हम जा रहे हैं पता है कहाँ, हम जा रहे हैं अपने बेस के लिए, ब्रह्मा पीक के बेस के लिए। तो वहाँ पर हमने कुछ मतलब स्टे करना है थोड़ी देर, और उसके बाद आज ही वापसी आनी है, वापसी करनी है क्योंकि क्या पता मौसम ख़राब हो जाए। पहले तो सोचा था कि एक दिन वहीं रुकेंगे, लेकिन नहीं ऐसा नहीं क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है जैसा कि दिख रहा होगा आप लोगों को, तो इस वजह से हमने सोचा कि नहीं वापस आ जाएंगे। ठीक है और मंदिर की खासियत तो भाई बहुत अल्टीमेट है यार, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना। देखो वो जो एक गुफा जिसमें मैं गया वहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि 200-200 किलो के बंदे भी होंगे ना वो भी निकल जाते हैं, लगता नहीं दिखने से लगता नहीं है कि निकलेंगे वो निकल पाएंगे लेकिन निकल जाते हैं। तो औरत मैंने सुना एक औरत यहाँ उसी गुफा में गंदी थी, मतलब पीरियड्स थे उसको, तो वो गई वो उसमें गई तो उसके टुकड़े हो गए थे। हैं साजन भाई सच में हो गए थे टुकड़े उस औरत के? हाँ मैंने भी सुना है, मुझे साजन भाई ने बताया क्योंकि ये लोकल है यहाँ के, तो इन्होंने मुझे बताया।
तो कहने लगे टुकड़े हो गए थे क्योंकि वो गंदी थी इस वजह से। तो साफ होकर जाना है, श्रद्धा से जाओ और मन्नत मांगो, पूरी हो जाएगी। और मेरे को एक अंकल ने बताया कि जिसको बच्चा नहीं होता ना यहाँ पर है, ऐसा भी है सीन सज्जन भैया, बच्चे बच्चे वाला है ना, तो सच्चे मन से मांगो कि यहाँ पर बच्चा, 40-40 साल के बाद भी बच्चे हुए हैं लोगों को यहाँ पर, ठीक है। तो दर्शन करो आओ, अगर ये वाली बच्चों वाली, बच्चे के लिए तो बहुत लोग तरसते हैं, तो यहाँ पर आ जाना तो क्या पता हो जाए। और मेरे ब्लॉग से देखकर तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो और इसी वजह से होगा तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और इनके साथ मेरा दूसरा ट्रैक ये है, फर्स्ट वाला हमने किया है, इकाला वाला हमने फर्स्ट किया था, जिसमें मेरे साथ काशिफ भी था और मेरे कॉलेज वाले दोस्त थे। और ये वाला मेरा दूसरा है ट्रैक इनके साथ। तो मैं परसों का सीन सुना था कुछ दिन पहले का, भाई हम जा रहे थे 17 RR के लिए, शाम को जाना था, तो हम रास्ते में थे, SSP ने नाका लगाया डूल रास्ते पे, हम तीन बंदे एक बाइक पे हेलमेट के बगैर चल रहे, तो हमने क्रॉस कर लिया, मैंने आधे से ज़्यादा नाका क्रॉस कर लिया। मैं सोचा था रुक जाता हूँ यार, पता नहीं क्या सीन होगा, मुझे लगा यात्रा की मचेल यात्रा की सिक्योरिटी के लिए मैंने पूछेंगे कि क्या कर रहे हो क्या नहीं, मैंने सोचा मैं रुक गया एंड पे। तो फिर अब काटना था चलान उन्होंने तगड़ा, बोलने के तू भाग रहा था, मैंने बोला सर मैं ब्रेक दे रहा था, लेकिन RC पे तीन बंदे थे तो अगर मैं झटके से ब्रेक देता तो मुझे लग जाती। तो फिर अब उन्होंने तगड़ा चलान करना था, फर्स्ट चलान हमारे कर रहा था, ऐसा ही बोलता बस शुरुआत इनसे ही करते हैं अब। मैंने बोला इतनी किस्मत ख़राब कैसे हो सकती है। चलो फिर वहाँ पर मिल गए सर, सर ने तब पहले जब मैं मिला था सर से तब सर की क्लीन शेव थी, तो मेरे को पहचान भी नहीं आया पहले सर, लेकिन सर ने मुझे पहचान लिया। फिर सर ने मुझे पूछा कि ऐसे ऐसे कहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हमने बोला 17 RR। तो सर ने बोला पुलिस वालों को, SSP को, कि इनको छोड़ो हमारे पास आ रहे हैं। फिर बाद में उस वजह से हम बच गए। उस दिन तो उस पर अच्छा सा चिप लग गई थी। और तुम्हें तो पता है पुलिस वाले मुझे पहले पसंद नहीं है, तो भाई उस दिन रगड़ा लग रहा था सही वाला, लेकिन किस्मत अच्छी थी सर वहाँ पर थे, तो वहाँ से हम सेफली निकल गए। मेरे को छोड़, देखो अभी गिरते गिरते बचा है ये बेवकूफ कहीं का। देखो भाई ऐसी लोकेशन थी, अगर वहाँ पर गिरा होता रुबल तो उधर कहीं गिरता बेवकूफ कहीं का। देख रहे हो भाई ये बवासीर के लिए अर्श का, तुझे है बवासीर तभी तुझे ये चीज़ें हो रही है ना भाई। सेफली चलना चाहिए, इस चीज़ पे कैमरा पे ध्यान नहीं देना चाहिए, खुद पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। व्लॉग बनाने का मतलब थोड़ा मर जाना है, और ऐसे व्लॉग बनते रहते हैं भाई, इसलिए इस जगह पे सेफ, या पीछे वाले बंदे को कैमरा दे दो या अगले को दे दो। त्रिसंध्या माता का मंदिर है, और जो तुम ये नदी देख रहे हो ना भाई, ये हर वक्त नहीं चलती है, ये ख़त्म हो जाती है 10-10 मिनट के बाद ख़त्म हो जाती है। दिन में 3 बार आती है, आएगी फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर दिन में आएगी फिर ख़त्म, फिर शाम को आएगी ख़त्म। और हम लकी हैं कि हमारे इसी टाइम पर दिखा है ना, है ना। तो और पीछे वहाँ पर मंदिर है, तो पहले इस नदी का पानी पी लेता हूँ मैं, बाकी चीज़ें बाद में दिखाता हूँ। मैं क्लोज 10-11 बारी अभी तक आया हूँ इधर, तो उनमें से मुझे सिर्फ 3 या 4 बार दर्शन हुए हैं। मतलब अभी 10 मिनट बाद ही गायब, वो नहीं पता हमें, वो हम जाएंगे आगे, अगर इसको गायब होना है तो हम उधर से आएंगे तो इधर कुछ भी नहीं दिखेगा। क्या पता तीसरी शिफ्ट होगी तो फिर से चल रही होगी, नहीं तो हमें कुछ ऐसे दिन में पॉसिबिलिटी 3 बार। तो संध्या का भी नाम है, हम किस्मत वाले हैं, हमें जो दिख गया और हमने पहले दर्शन में ही दर्शन कर लिए इसके। जैसे गंगा जल लाते हैं ना लोग तो रखते हैं घरों में, तो यहाँ से भी बंदा पानी ले सकता है, मतलब इतना अच्छा है। ये वाला जो पुल बनाया है ये इस महीने 4th पुल बनाया है, 3 टूट गए इससे पहले, ऐसा साजन भाई ने मुझे अभी कहा। चलो अब मैं भी क्रॉस करता हूँ। सो गाइज, अगर तुम्हें बर्फ़ देखनी है तो आज महीना कौन सा है, जुलाई के महीने में तुम्हें ऐसे ही पहाड़ों बर्फ़ मिल सकती है जैसे कि यहाँ पे है, देख रहे हो ना। और बारिश थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही है शायद, है ना। किसी कर उसको यहाँ की जो लोकल्स हैं उन्होंने यहाँ पर मतलब कच्चा हाउस टाइप से बनाए, उतने कोठे टाइप। तो हमारे पास बारिश पड़ रही थी बाहर, तो हमारी लकड़ी भी गीली हुई जिसकी वजह से खाना नहीं बना, आग नहीं जल रही, ठीक है। तो हम यहाँ अंदर आ गए, तो अब यहीं ये मदद कर रहे हैं हमारी ये लोग हैं वहाँ पे सामने। हमें ये है सूजी हलवे का पैकेट, हलवा है इस पर, और इसको सिंपली बॉयल किए हुए पानी में ऐसे डाल देना है,
और 5 मिनट तक रखना है। 5 मिनट के बाद ये क्या बनेगा क्या नहीं, हम भी फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, तो तुम्हें बताता हूँ रिव्यू इसका कैसा खाना है। वो है ना व्लॉगर है आकर्षित सेन व्लॉग, यार अभी मुझे ख्याल आया उसका नाम है तो टट्टी है। ये यही है वो बंदा आकर्षित। अब मैं टेस्ट करने वाला हूँ हलवा। रिव्यू दें भाई, रिव्यू अच्छा है, माँ की कसम अच्छा है भाई, इलायची सब कुछ है इसमें। तू क्या बोला अच्छा नहीं है, मैंने कहा बोला अच्छा नहीं होता थोड़ा नहीं अच्छा भाई, परफेक्ट परफेक्ट है भाई परफेक्ट। ठीक है बाय 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 छोटी, बाय करो बाय बाय। आह भाई बारिश पड़ रही है बाहर, तीन चीजें लगी, थोड़ा फ्लेक्स करो अब। क्या बात, मजा आ गया भाई, ये भी ना बात, ये नाइस नाइस नाइस। देख रहे हो बॉडी भाई, खोल कपड़े तू भी, खोल दो रूबल कपड़े, खींचो खींचो भाई, मैं तो मेरे पास तो भाई पेट है क्या, तू भी कपड़े खोलेगा, तू क्यों खोलेगा यार, बॉडी रहूंगा। हमारे साथ बच्चे थे ना भाई, बहुत तमीज वाले थे, मतलब इतने प्यार से बात कर रहा था ना, बोला बार बार बोला चाय आओ चाय पियेंगे चाय पियेंगे चाय पियेंगे, मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं। और ये देखो जो शहर में रहकर तमीज नहीं सीखी है इस बंदे ने। और यहाँ पर तैयार हो चुके हैं हमारे 4 बॉडी बिल्डर्स, इनको हमने नंगा कर दिया है और अब ये फोटो खींचेंगे पहले। वो पीक दिख रही है तुम्हें, वो है हमारे ब्रह्मा पीक, और जो ये पीक दिख रही है ये है ब्रह्मास वाइफ सरस्वती पीक, मतलब ये दोनों पीक साथ में। और जो पिछला हमसे पहला एक्सपीडिशन जो हुआ था वो उस पर उन्होंने वो सबमिट की थी, लेकिन उसके कुछ बाद उनके जो शेरपा थे वो इंजर्ड हो गए थे, गिर गए थे वहाँ से, ठीक है, तो उनको जाना था उसके बाद ब्रह्मास वाइफ सरस्वती पे, लेकिन वो फिर उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया तो नहीं जा पाए। चलो हम तो जा सकते हैं लेकिन हम खुद ही नहीं जा रहे हैं। मौसम की वजह से। हाँ मौसम की वजह से एक बार छोड़ दिया, अगली बार देख लेते हैं। अब बाय बाय ब्रह्मा जी और सरस्वती माता, मिलते हैं कभी और। Doubt of the life that I'm making, never had a doubt of the fight I'll be facing, never had a doubt of the nights I'll be facing. सीन क्या हुआ, हम बैठे हैं उधर टेंट में, तो वहाँ छोटा लड़का आया, हमने उसको हलवा दिया, ठीक है। तो अमन करता है करता काले काले, वैसे भी दुकाना नहीं इतना आरामी है वो, करता हम तो खाते रहते। मैं छोटे बच्चे देख रहा है उसको, ऐसे मजा आ गया था लेकिन भाई। फायर फायर फट गई, ओए फट गई साले। ये कौन है पता नहीं, ओ बेड़ चोद, ये कौन है, ओ मारी तो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। और आज वाला दिन नॉर्मल था, कल वाला एक्सट्रीम चला गया था, कल हम 8:30 पहुंचे थे नीचे, फट गई थी हालत खराब, आज वाला मजे वाला था। चलो भाई।